दोस्तों और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो देखो OnePlus Nord CE 3 Lite जो मेरे हाथ में है, इसकी जो वीडियो करी थी ना, हमने रिव्यू किया था, तो उसके अंदर मैंने पूछा था आप लोग से कि क्या इसका IQOO Z7 के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। सो आप में से भाई बहुत लोगों ने कहा कि यस, इसका कंपैरिजन बनता है इसके साथ में। तो देखो क्यों बन रहा है, एक मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये जो अभी 20,000 के अंदर है ना, इसकी अच्छी खासी बोलते ना हाइप है, बहुत सारे लोग इस फोन को खरीद रहे थे। मैंने मेरी आंखों से भी देखा था OnePlus के स्टोर के अंदर जाके। और IQOO Z7 जो है ना, मतलब एक दमदार फोन आता है, इवन जो बेस्ट फोन अंडर 20,000 में ना सबसे पहला रैंक होल्ड करता है। सो दैट्स व्हाई यहां पर हमने सोचा और आपसे पूछा और आप लोग ने कहा कि यस, दोनों का कंपैरिजन बनता है। और देखो इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिसको आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फायदे की भी बात है, तो ध्यान रखना वीडियो के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पर आप लोगों ने कहा, आपकी डिमांड थी, इसके लिए वीडियो रेडी हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात, दोनों फोन 5G फोन आते हैं और इनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है ना, OnePlus Nord CE 3 Lite आता है 8GB 128 से और ये 20,000 मिल जाता है, और इसका एक और हायर वेरियंट आता है जो 22,000 के समवेयर जाता है। और वही जो IQOO Z7 है ना, ये 6GB 128 से स्टार्ट होता है, जिसकी प्राइसिंग 20,000 रुपीज है, और जो 8GB 128 वाला है वो समवेयर आपको 22,000 में पड़ जाएगा। और दोनों को अगर साइड बाय साइड देखते हो ना, तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की बैक है और यहाँ पर OnePlus ने ग्लास्टिक यूज किया है, मतलब थोड़ा सा ग्लास और थोड़ा सा प्लास्टिक। और ओवरऑल अगर देखोगे फर्स्ट हैंड में या फिर इन हैंड फीलिंग में, तो OnePlus थोड़ा सा हाथ में हल्का सा मैं कहूंगा प्रीमियम लगता है देखने में, और एक अलग ही डिजाइन लेकर आता है। और IQOO का भी जो डिजाइन है ना, थोड़ा सा मिनिमल टाइप देखने मिलता है। बाकी जो सारे जो नेसेसरी पोर्ट्स होते हैं ना, वो सब कुछ इन दोनों फोन में मिल जाएंगे। 3.5mm जैक के गड्ढे वगैरह भी है। बस OnePlus के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और वहीं IQOO के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। IQOO के फोन्स में लाइक यहाँ पर इनका जो वी स्टोर है ना, उसके अंदर थोड़े से नोटिफिकेशन ज्यादा आते रहते हैं, वहां से पुश होते रहते हैं। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं चालू रखना है, तो इसको बस लाइक होल्ड करके रखो और यहां पर जाओगे ना टर्न ऑफ और ऑल कर देना और बंद, तो अभी सारी नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगी। और यहां पर जो साइड फ्रेम हो गया, दोनों में प्लास्टिक ही निकल कर आता है। ऑफ कोर्स IQOO में आपको वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा मिलता है और यहां पर पंच होल कैमरा मिल जाता है। और रही बात बेजल्स को लेकर, तो इसके अंदर भी बड़े बेजल्स आते हैं और IQOO के अंदर भी बड़े बेजल्स हैं, लेकिन जो नीचे का चिन्ह है ना, OnePlus का थोड़ा सा कम है। और जो ओवरऑल इन हैंड फीलिंग में थोड़ा सा कंफर्ट साइज के हिसाब से IQOO लगता है, और यहीं पर थोड़ा सा हाथ में अगर मैं कहूंगा प्रीमियम या फिर थोड़ी सी अच्छी चीज देखने मिलती है बैक साइड से, वो मुझे OnePlus में लगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर बजट सेंट्रिक फोन है, तो जो टाइप सी पोर्ट है वो 2.0 के साथ में आने वाले हैं। OnePlus का कुछ एक ग्रे कलर भी आता है, तो वो भी देख सकते हो, और IQOO का एक ब्लू कलर आता है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और रही बात नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी में, तो OnePlus थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाता है, तीन ज्यादा बैंड आपको मिल जाएंगे OnePlus में, लेकिन जो ब्लूटूथ है ना और वाईफाई है, वो आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा IQOO के अंदर। IQOO के अंदर IP54 मिलता है, OnePlus में ऐसा कुछ नहीं मिलता, और ना ही कहीं इन्होंने मेंशन किया है। OnePlus का थोड़ा डिस्प्ले आपको बड़ा मिल जाएगा, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, और वहीं IQOO का 6.38 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले आता है, और ये दोनों फुल HD प्लस है। OnePlus में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। इस प्राइस के अंदर जो ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगी, वो आपको IQOO में मिलती है, 1300 की पीक ब्राइटनेस है। हार्श सनलाइट में ना ये डिस्प्ले अच्छा लग रहा था मुझे IQOO का, और OnePlus का वही मुझे ना हार्श सनलाइट में देखने में इश्यूज हो रहे थे। OnePlus लेकर आता है कुछ ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन, और वहीं IQOO लेकर आता है स्कॉट सेंसेशन की प्रोटेक्शन। अब ये दोनों रियल लाइफ में कितनी अच्छी है कितनी बुरी, मुझे एग्जैक्ट सच बोलूंगा नहीं आइडिया है, थोड़ा बहुत गोरिल्ला ग्लास में भरोसा रहता है, बट इनका मतलब पता नहीं, ये भी रहते हैं अच्छे डिस्प्ले, डिफॉल्ट है ना स्क्रीन प्रोटेक्टर लगकर आता है ना, वो दोनों में लगा हुआ है और मैं उसी को रख के यूज कर रहा हूँ, तो जो स्क्रैचेस वगैरह आएंगे तो वो स्क्रैच गार्ड पे आएंगे ना कि डिस्प्ले पे। और अभी तक मैंने इन दोनों को ना ऐसे लाइक ओपनली यूज किया, ऐसे मतलब बिना कवर लगाया, तो अभी तक ना ही इसके बॉडी पे कोई स्क्रैच है, और IQOO की जो बॉडी है उस पे भी मुझे कोई ऐसे फिजिकल स्क्रैच देखने नहीं मिले। दोनों की मतलब क्वालिटी मैं कहूंगा अच्छी निकल कर आती है बिल्ड एंड डिजाइन में। तो जैसे मैं आपको बता रहा स्टार्ट में कि एक अनाउंसमेंट करने वाला फायदे की बात है, तो आपको बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैं एक टाइम पे हमारी वेबसाइट थी जिसको हम लोग रन करते थे, जिसमें हमारे जो फोन्स मैं रिव्यू करता था बाय करके, तो वो मैं सेल आउट करता था, आप में से बहुत लोग ने बाय की है। तो अभी से वो कॉन्सेप्ट जो हमारा वेबसाइट का वापस मैं रिलॉन्च कर चुका हूं, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा जिसको हमारे रिव्यू किए हुए फोन बाय करने होंगे, तो मैं मेरी वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। जो भी पेमेंट मेथड होगा वो UPI के थ्रू होगा, तो जब पेमेंट हो जाएगी उसके 12 घंटे के अंदर ही हमारी टीम
आपको रिप्लाई दे देगी। TWS हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, और भी तरह तरह के गैजेट्स है जो हम लोग रिव्यू करते रहते हैं मंगा मंगा के भी, तो वो भी मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिलीवर करवा देंगे। और एक चीज बता दूं, कोई भी COD वगैरह नहीं होगा, ना ही कोई कॉस्ट EMI वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ओनली UPI पेमेंट रहेगा वन टाइम, क्योंकि मैंने COD वाला सिस्टम रखा था। पर भाई मेरे ना 4-5 फोन गायब हो गए, पेमेंट भी नहीं मिली, ना कभी डिवाइस मिला, तो मैं वो रिस्क बिल्कुल ले लेना चाहता, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता है हम लोग फोन बाय करते हैं उसके बाद ही वीडियो लाते हैं, तो दैट्स व्हाई वो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पे हम लोग अच्छे से और काम कर सके। OnePlus है ना, सिर्फ ओनली 1080p का ही कंटेंट आपको दिखा पाएगा YouTube पर, क्योंकि जो Snapdragon 695 है ना, वो इतनी ही मतलब उसकी बोलते ना ताकत है, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकता। और वहीं iQOO के अंदर जो प्रोसेसर है ना, उसकी वजह से हमको 4K at 60fps का कंटेंट हम लोग YouTube पे भी देख सकते हैं। और रही बात HDR वाला पार्ट हो गया, वो भी iQOO में मिल जाएगा। और Netflix वगैरह में कंटेंट देखोगे तो iQOO के अंदर HDR का कंटेंट देख सकते हो, बट OnePlus में ये चीज पॉसिबल नहीं है, HDR का कंटेंट का प्लेबैक नहीं है। तो एट दी एंड मैं बात एक सिंपल बोलूंगा कि भले यहाँ पर पंच होल वाला कैमरा है या फिर डॉट और ड्रॉप नॉच वाला कैमरा है, बट जो बेटर डिस्प्ले आपको मिलेगी ना, वो आपको iQOO की तरफ से मिलेगी। OnePlus वाले डिस्प्ले भी प्रॉब्लम नहीं है, IPS है, ठीक है, बट थोड़ा सा ज्यादा बेटर हमको iQOO में मिलता है। और रही बात स्पीकर्स को लेकर, तो देखो एक चीज है, OnePlus के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और iQOO के अंदर सिंगल स्पीकर आता है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है ना, वो OnePlus के पास जाता है, थोड़ा सा बेटर साउंड लगता है iQOO के मुकाबले। एक साइड बाय साइड छोटा सा कंपैरिजन भी सुन लो। तो एक चीज बोलूंगा, ऐसे डिटेल कंपैरिजन वगैरह आप लोगों के कहने पे बना देता हूँ, तो आप लोगों का भी काम है ऐसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख लेते बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 1 मिलियन हमको जल्दी कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई। और ये वीडियो पे कमेंट करोगे या फिर कुछ ऐसा फीडबैक रहेगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। और साथ में इस वीडियो पे कमेंट का भी टारगेट है, जो ज्यादा नहीं, लाइक मैं 400 कमेंट के लिए बोलता हूँ, 400 कमेंट आएंगे ना, उन सभी को मस्त में हार्ट भी दूंगा, तो फटाफट कमेंट भी कर देना। और देखो रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो दोनों के अंदर है ना एंड्रॉइड 13 आता है और OnePlus आता है OxygenOS 13.1 के साथ में, और वही iQOO FunTouchOS 13 के साथ में आता है। दोनों फोन मस्त में 2 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट देंगे और साथ में 3 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच, यानी कि अभी 13 पे चल रहा है तो 14 और 15 दोनों में डाल पाओगे। तो मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर FunTouchOS भी अच्छा क्लीन चल रहा है और जो OnePlus का OxygenOS है वो भी काइंड ऑफ जो कह सकते हैं बस OxygenOS है, लेकिन वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे स्टार्ट में, लेकिन एक अपडेट के बाद में इसने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि ओप्पो वाला फील दिलवाता है, ऑक्सीजन वाला फील नहीं दिलवाता है, बट स्टिल कहूंगा बेटर है। और OnePlus के अंदर है ना कुछ हॉट एप्स की ना ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है, तो वो आपको बस डिसेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। और iQOO के अंदर कुछ ऐसे जोश मौज ऐसी एप्लीकेशन आती है और साथ में हॉट एप्स भी आती है, तो उसको भी डिसेबल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस जो मोज वगैरह अनइंस्टॉल वगैरह करना है वो भी कर सकते। अभी सबसे मेन बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में पता चल जाएगी, पावर, परफॉर्मेंस, बैटरी किसके अंदर ज्यादा बेटर है। तो OnePlus के अंदर मिलता है Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर और iQOO में मिलता है Dimensity 920 वाला प्रोसेसर, और दोनों में सेम स्पीड की रैम भी मिल जाएगी। अभी देखो सबसे पहले एकदम अच्छे से समझने के लिए, दोनों फोन को 100% चार्ज किया है और उसके बाद में हम लोग दोनों फोन के अंदर ना सेम टास्क रन करेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस कहां पर बेस्ट आ रही वो तो पता चलेगा, साथ में बैटरी भी किसके अंदर ज्यादा जल्दी ड्रॉप होती है वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले रन कर दिया हम लोगों ने एंटीडू बेंचमार्क, तो फर्स्ट टाइम रन किया, फिर उसके बाद में तुरंत ही सेकंड टाइम रन किया, और दोनों टाइम जो ज्यादा बेटर स्कोर निकालता है Dimensity 920 यानी कि iQOO Z7 मिलता है OnePlus के मुकाबले, आपको बहुत ज्यादा स्कोर का फर्क मिल जाएगा। ये एक नंबर है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन से फोन के अंदर कितनी ताकत है, उसको एज अ नंबर में इस तरीके से डिस्क्राइब करता है एंटीडू बेंचमार्क। फिर उसके बाद में Geekbench 5 निकाला, जिसमें सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर इवन GPU का स्कोर तीनों में बेटर iQOO Z7 मिलता है। और यहां पर UFS 2.2 की स्टोरेज आती है दोनों फोन के अंदर, बट जो ज्यादा अच्छे स्कोर आते हैं वो iQOO Z7 के अंदर आते हैं, 48,000 का स्कोर है, और वहीं OnePlus जो है 23,000 का स्कोर देता है, जो काफी ज्यादा कम निकल कर आता है मुकाबले में। फिर उसके बाद में जो CPU थ्रॉटल का एक स्कोर रहता है जो 91% आया OnePlus के अंदर और iQOO में आया 89% के अंदर, जो लाइक 2% का डिफरेंस था, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है जिप स्कोर की वो ज्यादा
ज्यादा हमें मिल रही है आईकू के अंदर। फिर मैंने 40 मिनट के ना यूट्यूब पर वीडियो का प्लेबैक छोड़ दिया। और एक चीज जैसे मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब पे मतलब लाइक जो वन प्लस है ना सिर्फ 60 FPS 1080p 60 ही करवा सकता है, तो मैंने दोनों को सेम ही रखा है, जबकि आईकू 4K तक जा सकता है। फिर नेक्स्ट है ना स्टैंड बाय पे रख दिया। स्टैंड बाय मतलब जैसे कि फोन में अभी रात को हम लोग ऐसे चार्ज करके छोड़ देते हैं, रात को 50% बैटरी होती है, सोने चले गए, और सुबह जब उठते हैं तो 5-4% बैटरी गायब होती है, तो वो स्टैंड बाय हो गया। और यहाँ पर जो स्टैंड बाय था ना 17 घंटे का था, मतलब फोन को लास्ट जितना यूज किया छोड़ के फिर नेक्स्ट डे हम आए ना, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ ना वो 7% का वन प्लस में आता है, और 5% यहाँ पर आईकू में था, तो 2% ज्यादा बैटर आईकू निकल कर आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 घंटे की गेमिंग हमने चालू कर दी, पबजी चालू कर दिया, और जिसमें गेम कंटिन्यूस चलता गया, सेम तरीके से बस चले जा रहा है। फिर मैंने यूट्यूब पर 2 hours 40 minutes का यूट्यूब का प्लेबैक किया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप जो आया ना वो भाई आईकू में था, 6 hours 35 minutes चला, और जो वन प्लस है ना भाई वो 5 hours 32 minutes चला। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा आईकू के अंदर। बट एक चीज सरप्राइज बताऊं क्या है, जो बैटरी है ना आईकू के अंदर 4500 mAh की आती है, और जो वही वन प्लस है ना वो 5000 mAh की बैटरी लेकर आता है। तो ज्यादा बैटरी लाने के बाद में भी जो बैटरी बैकअप है ना वो वन प्लस ने कम दिया, लाइक आईकू ने ज्यादा यहाँ पर 1 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के दिया, जो मेरे लिए अच्छा खासा शॉकिंग था। और यहाँ पर जो चार्जिंग वाली बात आती है ना, तो आईकू के अंदर आपको मिल जाएगा 44 watt का चार्जर, और वन प्लस में आपको 80 watt का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, बट वो सपोर्ट करता है 67 watt को। तो लेकिन अब जो चार्जिंग स्पीड है ना, तो यहाँ पर वन प्लस को फुल 100% चार्ज होने में 50 मिनट का टाइम लग गया मेरे एनवायरमेंट के हिसाब से, और जो ही आईकू है ना भाई ये 64 मिनट लेता है पूरा फोन 0 to 100% होने पे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा अच्छा खासा बैटरी बैकअप, अच्छी खासी पावर तगड़ी तरीके से आपको आईकू में मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी फास्टर चार्जिंग कह सकता हूँ, लाइक 14 मिनट की फास्टर चार्जिंग है सिर्फ, जो आपको इसमें मिलती है, किसमें, वन प्लस में। और एक चीज अभी है जो हमारे गेमर भाई लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं, जो भाई है पबजी गेमिंग, BGMI गेमिंग, तो इसमें है ना वन प्लस पर आप मैक्स 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो, बट वहीं आईकू पर स्मूथ पर 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। और भाई डेफिनेटली एंड ऑफ द डे भले हमको ग्राफिक्स कम मिले, बट 60 FPS बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और वो आईकू के अंदर निकल कर आता है। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि भाई इसमें बस कैजुअल गेमिंग, ठीक ठाक वाली गेमिंग कर सकते हो, नॉर्मली गेमिंग, मतलब अच्छी भी नहीं, वर्स्ट वाली गेमिंग समझ लो, जो 695 करवा के देता है, लाइक ओके वाला पार्ट, 30-40 FPS कुछ निकल कर आते हैं, तो वो तो भाई बिल्कुल मजा नहीं है। मॉन्स्टर मोड ऑन करने के बाद में भाई ये 60 FPS बहुत अच्छी तरीके से देता है, और 20,000 के प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गेमिंग आईकू Z7 करवाता है। मेरी जितनी भी टेस्टिंग है उस हिसाब से, जितने भी मैंने डिवाइसेस अभी रिसेंट टाइम में टेस्ट करे ना, सबसे अच्छी गेमिंग यहाँ पर अंडर 20,000 में ये फोन निकल कर आता है, आईकू Z7। ये सिंपल कंक्लूजन लेके समझ सकते हो। और एक चीज़ है, आईकू के अंदर आप जब नॉर्मली गेमिंग करोगे ना तो आपको 50 FPS मिलेंगे, बट आपको 60 FPS अचीव करने के लिए आपको मॉन्स्टर मोड को भी ऑन करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर 60 FPS का काम देगा। बाद में ड्रॉप वाला पार्ट है, हालांकि दोनों का अलग से हम लोगों ने डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाया, तो आप लोग है ना मस्त में गेमिंग पाठशाला जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी अगर बात करें कैमरास को लेकर कि भाई किसका कैमरा ज्यादा बेटर आएगा, तो वन प्लस लेकर आता है 108 MP का मेन कैमरा, और वही 64 MP के साथ में मिलेगा आपको आईकू, बट इसके अंदर OIS भी मिल जाएगा, और बाकी वही दोनों फोन के अंदर आपको ना अल्ट्रा वाइड का कैमरा नहीं मिलेगा, और जो सेल्फी वाला पार्ट है ना दोनों के अंदर 16 MP सेम निकल कर आता है। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं, साइड बाय साइड अगर आप फोटो देखते हो ना दोनों फोन्स के, तो यहाँ पर वन प्लस में थोड़ा बहुत कभी कभी HDR में मुझे इश्यू लगा, लो लाइट में भी थोड़ा ठीक ठीक ही काम करता है, और प्लस इसके अंदर OIS भी नहीं है, जबकि आईकू के अंदर हमें OIS मिल जाता है, जो लो लाइट में फोटो को स्टेबल और अच्छी तरीके से निकाल के देता है, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा जिटर वाला काम है ना वो कम हो जाता है आईकू के अंदर। और वही मैं एक सिंपल कंक्लूजन देखोगे साइड बाय साइड फोटो जितना देख रहे हो उतना, मेरे हिसाब से जो बैटर नंबर लेके जाता है या पॉइंट्स लेके जाएगा वो भाई आईकू निकल कर आएगा, कंपेयर टू वन प्लस से। वन प्लस में भी ठीक ठीक फोटोज आ जाती है, बट जो बैटर है ना थोड़ा बहुत हल्का मैं कह सकता हूँ आईकू Z7 पर है। और मैंने ना दोनों फोन से इंस्टाग्राम की स्टोरी मतलब खींची थी, फोटो खींची, उसको डाउनलोड किया, और उसके बाद में जो फाइल साइज आप देख सकते हो ना, जो ज्यादा निकल कर आती है, मतलब जो ज्यादा बेटर कैमरा निकाल के देगा इंस्टाग्राम वगैरह पर आपको, वो आईकू निकल कर आता है। और रही बात वीडियोग्राफी की बात, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जो प्लस पॉइंट है ना वो आईकू लेके जाता है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक कैमरा से दोनों पर ही आप है ना वन प्लस पर बस 1080p 30 FPS
की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि वही IQ जो है ना 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग देता है मेन कैमरा पर, और फ्रंट कैमरा पर 1080p 30fps ये भी है, और जो स्टेबलाइजेशन है थोड़ा वो भी बेटर यहाँ पर हो जाता है IQ के अंदर। तो एडिट अगर मैं देखूंगा ना दोनों में से कोई एक जो बेटर विनर निकल कर आता है वीडियोग्राफी में भी, तो वो IQ थोड़ा सा होगा। सो अभी फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आया भाई, तो सबसे पहली बात मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से बोलूंगा, OnePlus है ना हाथ में देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। मैं सच कहूंगा ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इस फोन के लिए। कूल है, देखने में अच्छा है, सामने से भी देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा फील करवाता है। बस ये फोन में इतना सा ही मुझे खास लगा, उससे ज्यादा और कुछ चीजें नहीं थी। और वही IQ भी एक अच्छा लुक निकाल के लेकर आता है, बस पंच होल कैमरा है वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, बट भाई AMOLED मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा है, कॉन्टेंट देखने में अच्छा है, प्लस पावर भी इस फोन में बहुत ज्यादा मिल जाएगी इसके मुकाबले। तो एट द एंड मेरा कंक्लूजन देखो सिंपल यही है, जिसको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, बोलते ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा चल जाए, या फिर एक टाइम के बाद में बहुत सारी फोन में एप्लीकेशन हो जाती है तो फोन को थोड़ा अच्छे से संभाल ले ऐप ओपनिंग वगैरह, वो मेरे हिसाब से IQ ज्यादा बेटर कर देगा। क्योंकि OnePlus 695 है, मतलब Snapdragon 695, वो लाइक ओके प्रोसेसर है, लाइक इतनी हैवी गेमिंग नहीं करवा सकता, ना हैवी टास्क रन करवा सकता है बहुत अच्छे से, और जब एक टाइम के बाद में प्रोसेसर पुराना होगा तो शायद से थोड़ा बहुत लैगी भी फील या चॉपी फील हो सकता है आपको। तो यहाँ पर मैं तो अगर समझदारी बोलूंगा तो IQ है, बेटर है, ले सकते हो। यस, OnePlus का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है, वो बस एक लोगो के हिसाब से, बट वो फोन है ना इतना ज्यादा वैल्यूएबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप लोगों के थॉट्स में जरूर सुनना चाहूंगा, फिर से दोहरा देता हूँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने मेरा आपके लिए वीडियो बना के दिए जो बहुत लोग मांग रहे थे। बाकी जैसे मैंने कहा वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एल्गोरिथम में बूस्ट वूस्ट करवा देना, और हाँ अगर इन फोन के गेमिंग वीडियो देखना चाहते हो, मतलब गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो, तो वो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। हमारा गेमिंग चैनल जो है गेमिंग पाठशाला, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना, 1,00,000 सब्सक्राइबर वहां भी कंप्लीट करवाने। और बाकी अगर आपके कोई और फोन की कंपैरिजन की डिमांड है तो भाई कमेंट में जरूर लिख देना, मैं वो वीडियो अलग से बना के लेकर आऊंगा आप लोगों के कहने पे, जैसे ये वीडियो बनाई। बाकी मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।